अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मुजफ्फरपुर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ सामान्य है, जबकि महागठबंधन में सीट के बंटवारे को लेकर ही घमासान मचा हुआ है। प्रथम चरण का नामांकन पूरा हो गया, दूसरे चरण के नामांकन का आज अंतिम दिन है। एनडीए गठबंधन ने अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। एक केवल खगड़िया छोड़कर सभी 39 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है, और उसके एक सप्ताह पूर्व किस सीट पर गठबंधन की कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी इसका भी हम लोगों ने ऐलान कर दिया था। लेकिन जो महागठबंधन है, उस महागठबंधन में अभी भी सीटों को लेकर मारामारी चल रही है। पहली जीत तो हमारी इसी चरण में हो गई कि बिना किसी विवाद के, और हम लोगों ने आपस में सीटों का बंटवारा कर लिया। उस महागठबंधन में अभी भी सीटों को लेकर मारामारी चल रही है। पहली जीत तो हमारी इसी चरण में हो गई कि बिना किसी विवाद के, और हम लोगों ने आपस में सीटों का बंटवारा कर लिया। उन्होंने महागठबंधन को चुनाव के पहले ही दौर में हार जाने की बात भी कह दी, और उन्होंने ये भी कहा कि आपस में बिखरे महागठबंधन में आखिर किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। मुजफ्फरपुर से न्यूज के लिए संतोष तिवारी की रिपोर्ट।